और चलिए अब आपको 9 सेकंड न्यूज में खबरें कोर्ट से और कोर्ट के फैसले से जुड़ी हुई दिखाते हैं। जालौन में नाबालिग से दरिंदगी और हत्या मामले में आरोपी को उम्र कैद। 6 अक्टूबर 2017 में आरोपी ने 10 साल की बच्ची के साथ किया था दुष्कर्म और फिर हत्या। हाईकोर्ट ने खारिज की चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ एफआईआर रद्द करने की याचिका। कौशल विकास निगम घोटाले में हुई गिरफ्तारी। नायडू की न्यायिक हिरासत 2 दिन बढ़ाकर 24 सितम्बर की गयी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका खारिज। फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज के आधार पर चुनाव लड़ने और पेट्रोल पंप हासिल करने का आरोप था। और 25 सितंबर के बाद हो सकती है मॉनसून की वापसी। उत्तर पश्चिम भारत से वापस लौटेगा मॉनसून। अमूमन 17 सितंबर के आसपास होती है मॉनसून की वापसी। इसी से जुड़ी हुई खबरें आपको दिखाएंगे। 25 सितंबर के बाद हो सकती है मॉनसून की वापसी। उत्तर पश्चिम भारत से वापस लौटेगा मॉनसून। ज्यादातर औसतन 17 सितंबर के आसपास होती है मॉनसून की वापसी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मूसलाधार बारिश। शहर की मुख्य सड़कों पर भरा पानी। धान मंडी पताशा गली समेत कई इलाकों में जलभराव। मंदसौर में दुकानों में घुसा बारिश का पानी। पानी से बीच से गुजरते समय खराब हुए लोगों के वाहन। पानी की निकासी का इंतजाम नहीं होने की वजह से बड़ी परेशानी। झारखंड के दुमका में बारिश से शहर में जगह जगह पर जलभराव। बारिश से शहर की सड़कें दुकान मकान स्कूल सब कुछ जलमग्न। मूसलाधार बारिश की वजह से शहर में आई बाढ़। मुख्य सड़कों पर बह रहा कई फीट पानी। शहर के अंदर नदी के जैसा मंजर। रेल लाइन पर बने अंडरपास में भरा बाढ़ का पानी। पुल का आधा हिस्सा पानी में जलमग्न। लोगों को आवाजाही में हो रही है दिक्कत। बिहार के नवादा में डीएम और एसपी ऑफिस के अंदर पानी भरा। दफ्तर परिसर में जलभराव की वजह से तालाब जैसा मंजर। नवादा के अस्पताल में भी बाढ़ जैसा नजारा। अस्पताल के एंट्री गेट पर काफी जलभराव। मरीजों को हो रही परेशानी। मैं आधे घंटे की बारिश से पानी पानी हुआ नवादा शहर। शहर की मुख्य सड़कों पर हुआ जलभराव। चौक चौराहों पर भी जमा हुआ पानी। सदर अस्पताल के अंदर तालाब जैसा नजारा दिखाई दिया। अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में भरा पानी। मरीजों के बेड के नीचे भी जलभराव। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।